कोई भी पार्टी दल क्यों न हो, उसकी सदस्यता अभियान अभी से ही जोर पकड़ ली है। बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की, जिसको लेकर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मजबूती के साथ सहरसा जिले में सदस्यता अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में जिले के सौर बाजार प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में जाप के प्रदेश महासचिव कुमार अमर ज्योति के नेतृत्व में लगातार युवाओं के बीच जाकर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं मौजूद जाप के प्रदेश महासचिव कुमार अमर ज्योति ने मीडिया को बताया कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के निर्देश पर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। किसी भी पार्टी का नींव और उसका घर उसके सदस्यता पे ही होता है, और हमारे माननीय सांसद पार्टी के संरक्षक माननीय सांसद युवा के धड़कन गरीब शोषित के नायक माननीय पप्पू यादव जी के आह्वान पे, उनके कामों को देखते हुए, उनके विचारों को देखते हुए सहरसा शहर समेत सोर बाजार के सभी प्रखंडों में एक सदस्यता अभियान जोर शोर से एक अभियान चलाया गया है, जिसमें आज हम विभिन्न पंचायतों को करते हुए सोहरिया कांप नादो और सोर बाजार में भी हम अपने युवा साथी दीपक जी के आवास पे हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं सारे युवा यहाँ साथी मौजूद है। हम पप्पू जी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं, एक नया बिहार का संकल्प लेके लोगों के बीच अभी तक सदस्यता अभियान ग्रहण करवाए। सहरसा में कुल अभी आज 10 पंचायतों में हमने जो घूमा, इसमें लगभग 1200 से अधिक आज एक दिन में हाथों हाथ सदस्य बना, और बाकी सभी कार्यकर्ताओं ने 7 दिन के अंदर सभी पंचायतों में हर बूथ पे 10 सेवादार के नाम से हो जाएगा, तो 170 बूथ है यहाँ सोर बाजार में, तो आप समझिए 1700 आपका यहाँ पे हमारा कार्यकर्ता जुड़ेगा। जिन लोगों को आप सदस्य बनाए उससे क्या उम्मीद आप आगे समय में करना चाहेंगे? जो भी सदस्य बन रहे, कोई दबाव से नहीं बन रहा है, वो खुद जो हमारा सदस्यता राशि है 5 रुपया दे के बन रहा है, पार्टी को सहयोग दे के बन रहा है, और उनका विश्वास हमारे आला कमान हमारे पार्टी के संस्थापक पप्पू यादव जी पे है, उनके नेतृत्व को देखते हुए सारे युवा और हमारे सोर बाजार प्रखंड के जो भी नागरिक हैं वो जुड़ रहे हैं। नाम क्या हुआ? कुमार अमर ज्योति। कौशाम्बी पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन और श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में जनपद में आज दिनांक 3 सितंबर 2020 को नो चाइल्ड लेबर ड्राइव के अंतर्गत AHTU जनपद कौशाम्बी की टीम द्वारा श्रम प्रवर्तन अधिकारी और बाल परिवीक्षा अधिकारी के साथ अभियान चलाकर थाना मंजनपुर क्षेत्र से 3 नाबालिग बच्चों मोनू डेंटर करारी रोड आजाद नगर की दुकान में कार्य करते हुए पाए जाने पर दुकान से मोहम्मद चाहिल उम्र 17 वर्ष, उदल कमानी मेकर ओसा की दुकान से राजेंद्र कुमार उम्र 17 वर्ष को मुक्त कराकर और गल्ला मंडी ओसा रोड से लावारिस मिले कुलदीप उम्र 12 वर्ष को उनके अभिभावकों संरक्षकों को सकुशल सुपुर्द किया गया। कौशाम्बी में 2019 में 13 से 15 अगस्त तक यूपी के जनपद बांदा में पुलिस खिलाड़ियों के मध्य अंतर जनपदीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें कुश्ती, बॉक्सिंग, भारोत्तोलन और कबड्डी आदि प्रतियोगिताएं आयोजित हैं। जनपद बांदा में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में जनपद कौशाम्बी के पुलिस महिला पुरुष खिलाड़ियों के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया, जिसमें कौशाम्बी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। कौशाम्बी के पुलिस खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पुरुष वर्ग में कुश्ती, बॉक्सिंग और कबड्डी में प्रथम स्थान और महिला वर्ग में कुश्ती और बॉक्सिंग में प्रथम स्थान प्राप्त कर कुल 4 शील्ड हासिल की। SP कौशाम्बी अभिनंदन सिंह द्वारा उत्साह वर्धन के लिए इन पुलिस खिलाड़ियों को पुरस्कृत और सम्मानित किया गया। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को लेकर सहरसा जिले के सौर बाजार अंचलाधिकारी श्रीनिवास ने सौर बाजार थाना गेट के समीप पुलिस बल के साथ मास्क चालान अभियान चलाया। वहीं अंचलाधिकारी ने बताया कि जो व्यक्ति बिना मास्क के वाहन चलाते हैं उनके ऊपर 50 रुपए का फाइन कर बदले में एक मास्क दिया जाता है, ताकि लोग मास्क लगाकर चलें और इस संक्रमण से बच सके। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सहरसा जिले के हर विधानसभा में जाप सदस्यता ग्रहण अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर जिले के सौर बाजार प्रखंड के पुराने हाई स्कूल परिसर में एक बैठक बुलाई गई। वहीं सहरसा जाप छात्र जिलाध्यक्ष नरेश निराला ने रोजगार, कोरोना, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाढ़, सड़क को लेकर वर्तमान सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को मजबूती के साथ बिहार की गद्दी पर बैठाएंगे, जिससे जनता और आम आवाम के हित में काम होगा और वर्तमान सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। जाप सुप्रीमो श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के निर्देश पर पूरे सहरसा में हर विधानसभा में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। जन अधिकार छात्र परिषद
की उसी कड़ी में आज पुराना हाई स्कूल स्वर बाजार में जन अधिकार छात्र परिषद की मीटिंग रखी गई है। यहाँ भी आज सैकड़ों छात्र जन अधिकार छात्र परिषद की सदस्यता ग्रहण करेंगे और हम लोगों का लक्ष्य है हर विधानसभा में छात्र 10,000 छात्र जुड़े और ये बहरी गूंगी सरकार को उखाड़ फेंकने के काम करेंगे। अभी आप देख लीजिए बिहार की स्थिति क्या है, कोरोना संकट से जूझ रहा है, बाढ़ में लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार शुद्धि लेने के लिए तैयार नहीं है। सैकड़ों लोग की बाढ़ में डूब जाने से मृत्यु हो गई है। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं है, कोरोना पॉजिटिव को क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा है, लोग अपने घर में रह रहे हैं लेकिन उन लोगों को सही उचित इलाज नहीं किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से हम लोगों का मंशा है कि बिहार की गद्दी पर जाप सुप्रीमो श्री पप्पू यादव को बैठा करके जनता के हित में काम होगा, आम आवाम खुशहाल होगा। इसी मनसा को लेकर के हम लोग जन अधिकार पार्टी को मजबूत करके बिहार सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। नरेश निराला, छात्र जिला अध्यक्ष, जन अधिकार छात्र परिषद सहरसा। प्रधान की दबंगाई और भ्रष्टाचार के आगे ग्रामीण नतमस्तक हो रहे हैं और वो पैसे की ताकत का एहसास कराकर शासन में बैठ अधिकारियों को खरीदने की धमकी भी दे रहे हैं। ऐसा आरोप ग्रामीण द्वारा लगाया गया है। ऋतुराज राजपूत के नेतृत्व में मोनू भास्कर सहित दर्जनों ग्रामीणों ने अपर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया कि फेसबुक पर की गई टिप्पणी पर प्रधान ने प्रार्थी को जान से मारने की और घर से उठवा लेने की धमकी दी और गाली गलौज करते हुए कहा कि तुम भ्रष्टाचार को फेसबुक पर उजागर क्यों कर रहे हो, मुझसे पूछो। इससे पूर्व भी दबंग ग्राम प्रधान की दबंगाई और भ्रष्टाचार की जांच शिकायत मजिस्ट्रेट और संबंधित थाना कुठौंद को भी की जा चुकी है। ग्राम लालपुर से आए हैं, क्या समस्या है? ग्राम पंचायत तौलकपुर पोस्ट बावली तहसील मानवगढ़ थाना कुठौंद। क्या समस्या है? समस्या ये है कि वहाँ ग्राम प्रधान की दबंगई और भ्रष्टाचार से ग्रामीण परेशान है और एक हमारे साथी मोनू ने उस चीज को जाहिर किया, समाज के सब लोगों को बताया तो प्रधान ने उसको धमकी दी जान माल से और उसने ये कहा कि मेरा कोई कुछ नहीं कर पाए। कहाँ तक जाओगे? डीएम तक जाओगे तो डीएम को भी मैं 2,00,000 रुपए दे के संतुष्ट कर दूंगा। इस चीज़ का मोनू के पास ऑडियो है और सारे ग्रामीण उसकी भ्रष्टाचार से परेशान है। लखनऊ में भी पैसे दे और कॉलेज में ना तो हेडपम्प है, पूरी बॉन्डी और पूरे सीसी खा गया और सारे हेडपम्प तालाब की सफाई का और तालाब की सफाई का पूरा नरेगा के तहत भ्रष्टाचार करके करोड़ों रुपयों का गबन कर लिया। यूपी के कौशाम्बी जनपद के थाना सराय के क्षेत्र निवासी एहतेशाम उल हक ने गांव के ही लोगों पर फर्जी मुकदमा लिखवाने का आरोप लगाया है। साथ ही एहतेशाम उल हक ने बताया कि महीनों पहले पिच से गोबर साफ करने को लेकर गांव में विवाद हुआ था, जिस विवाद से पीड़ितों का कोई लेना देना भी नहीं था, लेकिन आरोप है कि रंजिशन गांव के मोहनलाल सरोज के उकसाने पर पीड़िता और पीड़ित के भाइयों पर फर्जी मुकदमा लगाने का आरोप लगाया। पीड़ित ने बताया कि मेरी टेंट हाउस की दुकान में आगजनी और लूटपाट भी की गई, जिसका मुकदमा पंजीकृत कराया गया लेकिन उक्त लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। साथ ही पीड़ितों ने एसपी को ज्ञापन देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। गांव में क्रिकेट को लेकर या बच्चों में झगड़ा हो गया था जिसमें मोहन पंच के लोग जो है वो, जबकि हमारा घटना से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो हमारे दुकान पे गए तोड़फोड़ लूट आगजनी की और जब मौके पे हमारे भाई वहाँ पे पहुँचे तो फर्जी मुकदमे में फंसा के उन्हें जेल भेज दिया गया। उस मुकदमे में हमने FIR कराई लेकिन आज तक ना तो किसी की गिरफ्तारी हुई है ना तो कोई कार्रवाई की गई है। हम इसी के लिए विज्ञापन देने आए हैं कि जो संबंधित व्यक्तियाँ इसमें शामिल थे उनकी गिरफ्तारी की जाए, हम लोग के साथ न्याय दिलाया जाए। जनपद बिजनौर के थाना नजीबाबाद ग्राम दरियापुर में किराए के मकान पर रह रही महिला मकान खाली को लेकर हुए विवाद में एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी जबकि उसका पुत्र गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुलशन पत्नी नफीस अहमद उम्र करीब 30 वर्ष अपने बेटे अजीम 18 वर्ष के साथ पड़ोस में अपनी ननद के लिए किराए पर कमरा दिलवाने गई। उस मकान में जावेद पुत्र शाबिर पहले से ही किराए पर रह रहा था। बताया गया कि गुलशन और उसके बेटे ने मकान मालिक से जावेद के विषय में कुछ ऐसा कहा कि दोनों के बीच कहासुनी मारपीट में बदल गई। इस बात से शुद्ध होकर जावेद ने गुलशन के पेट में चाकू मारकर घायल कर दिया। उसके पुत्र को भी पीठ में चाकू मारकर घायल कर दिया गया। क्या नाम आपका? नफीस। आज आपकी वाइफ के साथ क्या घटना हुई? मैं किस बात को लेकर वार करा?
मतलब छुटाने गई थी किसे? बहन मेरी बहन के लड़के को कैसे को मार रहा है तो इन्होंने उस पर वार कर दिया, उसे छोड़ के बहन के लड़के बहन के लड़के को तो इन्होंने उस पर वार कर दिया घरवाली में। एक लड़का मेरा 18 साल का उसके ऊपर वार करा उन्होंने कमर में मारा। जीवाबाद थाने में रात्रि में लगभग 9:30 बजे गुलशन नाम की एक महिला अपने रिश्तेदार के साथ किराए का मकान दिखाने के लिए पड़ोसी मकान में ही गई थी। वहां पर एक किराएदार पहले ही जी जावेद रह रहा था। बातचीत के दौरान नोकझोंक हुआ, हॉट टॉक्स हुई, फिर उसने अचानक चाकू निकाल करके गुलशन के पेट में घोंप दिया और उसके बेटे को भी पीठ में वार किया। अस्पताल ले जाते समय गुलशन की मौत हो गई। इस पर 302 IPC का अभियोग पंजीकृत है। अभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बिजनौर जिले की अस्थायी जेल से 4 कैदी फरार हुए। जेल की तीसरी मंजिल से फरार हुए। अस्थायी जेल की कड़ी सुरक्षा के बावजूद 4 कैदी फरार हो गए। 2 कैदी को पकड़ा गया। 2 कैदियों की तलाश जारी है। SP सहित जिले के सभी आला अफसर अस्थायी जेल पर पहुंचे। 4 कैदी आर्म्स एक्ट के तहत भेजे गए और COVID-19 के चलते बिजनौर के आश्रय स्थल में अस्थायी जेल बनाई हुई है। इस अस्थायी जेल की सुरक्षा के लिए पुलिस के कई सुरक्षा कर्मियों के अलावा BSE के जवान भी तैनात किए गए हैं ताकि जेल में परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन अस्थायी जेल में बंद अक्षय, संजू, कुलवीर और फरमान ने जिला प्रशासन के सुरक्षा चक्र को तोड़ दिया और सभी 4 जेल की तीसरी मंजिल से फरार हो गए। COVID-19 के तहत अस्थायी जेल जो जनपद बिजनौर में आश्रय स्थल में बना हुआ है, 3 मंजिली बिल्डिंग, 3 मंजिल से जीने का दरवाजा तोड़ करके 4 कैदी 6:30 बजे फरार हुए। उसमें से एक अभियुक्त संजू को संतरी ड्यूटी पर तैनात मनीष कुमार आरक्षी द्वारा मौके पर ही पकड़ लिया गया। 3 अभियुक्तों में से एक अभियुक्त अक्षय को कोतवाली नगीना देहात द्वारा पकड़ लिया गया है। ये सभी अभियुक्त आर्म्स एक्ट के तहत पिछले 10 दिनों से बंद है। इन पर 25,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया है। 4 टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी।